हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज हर्ष मिश्रा एंड यू आर वाचिंग किंग क्रिकेट। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आईपीएल टीम राजस्थान रॉयल्स के बारे में और उनके ऐसे चार प्लेयर्स को जिनकी राजस्थान रॉयल्स की टीम आईपीएल ऑक्शन जो कि 19 दिसंबर को कोलकाता में होगा में टारगेट करेगी और उन प्लेयर्स को ज़रूर खरीदना चाहेगी। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। साथ ही हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि आने वाली क्रिकेट की ऐसी ही लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचती रहे। तो आपका बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। इस लिस्ट में नंबर वन पर हैं एलेक्स हेल्स। एलेक्स हेल्स टॉप ऑर्डर के काफ़ी एक्सप्लोसिव बैट्समैन हैं जो किसी भी टीम को अच्छी खासी शुरुआत देने में माहिर हैं। एलेक्स हेल्स इंग्लैंड वनडे वर्ल्ड कप 2019 की टीम में होते हैं, लेकिन एक ड्रग टेस्ट में फेल होने पर उन्हें 21 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। एलेक्स हेल्स T20 के काफ़ी बढ़िया प्लेयर हैं। वो लियाम लिविंग स्टोन के लिए काफ़ी परफेक्ट रिप्लेसमेंट हो सकते हैं। लिविंग स्टोन ने 2019 में राजस्थान रॉयल्स के लिए सिर्फ 4 मैच खेले और 23 की एवरेज से सिर्फ 71 रन बनाए थे। एलेक्स हेल्स 2018 का सीजन SRS से खेले थे जहां इन्होंने 6 मैचों में 145 रन बनाकर अपने आप को प्रूव कर चुके हैं। तो इनका अगर ओवरऑल T20 रिकॉर्ड देखें तो इन्होंने 60 मैचों में 136 की स्ट्राइक रेट से और 31 की एवरेज से रन बनाए हैं। एलेक्स हेल्स इंग्लिश टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, तो ऐसे में पूरे IPL के लिए अवेलेबल रहेंगे। तो ऐसे में राजस्थान रॉयल्स इन पर बिडिंग करना चाहेंगी और इन्हें अपनी टीम में ज़रूर जोड़ना चाहेंगी। इस लिस्ट में नंबर दो पर हैं करुण नायर। अगर राजस्थान रॉयल्स की टीम में देखें तो अजिंक्य रहाणे, जॉस बटलर, स्टीवन स्मिथ और संजू सैमसन जैसे कई स्टार बैट्समैन हैं, फिर भी इनकी टीम को एक अच्छे सॉलिड मिडिल ऑर्डर बैट्समैन की ज़रूरत है जो कि मिडिल ओवर्स में एंकर रोल से खेल सके। राहुल त्रिपाठी का पिछला सीजन कुछ खास नहीं रहा जहाँ इन्होंने 7 मैचों में सिर्फ 141 रन बनाए थे। उसके बाद रियान पराग को मौका दिया गया, उनकी भी उतनी बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं रही। तो इस तरीके से राजस्थान रॉयल्स को एक एक्सपीरियंस्ड प्लेयर की ज़रूरत है, इसके लिए करुण नायर परफेक्ट कैंडिडेट हो सकते हैं। 2018 हाईएस्ट रन स्कोरर्स की लिस्ट में नंबर 3 पर रहे करुण नायर को 2019 में किंग्स इलेवन पंजाब की टीम में सिर्फ 1 मैच खेलने का मौका मिला, तो ऐसे में करुण नायर को इस साल किंग्स इलेवन पंजाब की टीम रिलीज कर सकती है। तो राजस्थान रॉयल्स इन पर ज़रूर निगाहें रखेगी। इस लिस्ट में नंबर 3 पर हैं जेम्स नीसा। लास्ट IPL सीज़न देखें तो राजस्थान रॉयल्स टीम के साथ एक समस्या रही है कि उनके कई मेंबर्स जो हैं उनको बीच सीजन में ही अपने नेशनल टीमों के लिए लौटना पड़ा था। तो इस साल टीम मैनेजमेंट को इसके लिए ज़रूर प्लान बनाना चाहिए। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने 2020 के लिए अपना शेड्यूल जारी कर दिया है, तो ऐसे में जून में इंग्लैंड टीम को वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज खेलनी है। तो राजस्थान रॉयल्स को ऑक्शन में बेन स्टोक्स के बैकअप के तौर पर किसी खिलाड़ी को देखना चाहिए और जेम्स नीसाम परफेक्ट ऑप्शन हो सकते हैं। इनकी करंट फॉर्म काफ़ी बढ़िया है और वर्ल्ड कप 2019 और कैरेबियन प्रीमियर लीग में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस इनकी रही है, तो इस साल ऑक्शन में काफ़ी डिमांड में रहेंगे। इस लिस्ट में नंबर 4 पर हैं सेल्डन कॉटरेल। सेल्डन कॉटरेल अपनी विकेट टेकिंग एबिलिटी के लिए जाने जाते हैं। इनके पास नई बॉल से स्विंग कराने की भी एबिलिटी है। उन्होंने अभी तक टोटल 16 T20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं जहां इन्होंने 18 की एवरेज से 24 विकेट लिए हैं। तो ऐसे में राजस्थान रॉयल्स की टीम इन्हें ज़रूर ऐड करना चाहेगी। और ओसन थॉमस का भी लास्ट IPL सीजन उतना खास नहीं रहा था, तो उनको अच्छे खासे रिप्लेस कर सकते हैं। तो ऐसे में सेल्डन कॉटरेल 2020 IPL में राजस्थान रॉयल्स के लिए अच्छी पिकअप हो सकते हैं। तो ये थे ऐसे चार प्लेयर जिनको IPL ऑक्शन में राजस्थान रॉयल्स को टारगेट करना चाहिए और अपनी टीम को स्ट्रांग बनाना चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके अपनी राय और अपने विचार हमें ज़रूर दें, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर करें और इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि आने वाली क्रिकेट की ऐसी ही लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट आप तक जल्दी से जल्दी पहुँचती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।